बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पटना आईजीआईएमएस के मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, पेट आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है जेपी नर्सिंग होम अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। हुसैनगंज प्रखंड के बर्रम स्थित शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल में कक्षा 6 से 9 तक के छात्र छात्राओं के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी एवं व्यंजन मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रोफेसर डॉक्टर मधुबाला के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान बच्चों द्वारा अलग अलग विषयों के प्रोजेक्ट बनाकर प्रदर्शनी लगाया गया। बच्चों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी को देखने के लिए सैकड़ों छात्र छात्राएं तथा अभिभावक मौजूद रहे। इस दौरान स्कूल के डायरेक्टर प्रोफेसर राशिद हसन शिबली ने बताया कि सीबीएसई बोर्ड के निर्देश अनुसार स्कूली बच्चों को उत्साहित करने के उद्देश्य साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जिससे बच्चों के मन से रचनात्मक जिज्ञासा को बाहर लाकर स्कूल प्रशासन द्वारा अवसर प्रदान किया जाता है। इससे बच्चों के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। उन्होंने कहा कि जब तक बच्चों को साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि नहीं होगी, तब तक देश का तथा समाज विकास नहीं हो सकता। वहीं शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनी ने सबका मन मोह लिया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष संगीता यादव, प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी, प्रोफेसर हारून शैलेंद्र, प्रोफेसर तारिक अनवर मौजूद थे। आज जो आपके द्वारा आपके स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगाया गया, इसका उद्देश्य क्या लगा? देखिए, सीबीएसई स्कूल जो भी है उसको सीबीएसई के कुरिकुलम को मानना है, और उसका मेन उद्देश्य है बच्चों को उत्साहित करना। बच्चों में जो रचनात्मक जिज्ञासा है, जो कंस्ट्रक्टिव आइडियाज है, उसको बाहर लाना, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म हम लोग देते हैं, अवसर देते हैं, जिसके ज़रिए बच्चे जो थ्योरी अब तक पढ़े हैं उसको प्रैक्टिकल में लाकर उत्साहित होते हैं। इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति जो इंटरेस्ट पैदा होता है, क्योंकि जब तक साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति इंटरेस्ट बच्चों में नहीं होगा तो आप विकास नहीं हो सकता देश का। साइंस जहाँ रुक जाएगा, टेक्नोलॉजी रुक जाएगी, तो पूरा डेवलपमेंट जो है समाज का रुक जाएगा। पूरा समाज जो है रुका, ये क्या जो ये विकास है वो आपको साइंस टेक्नोलॉजी पर ही रुका। ऐसे में जो छात्र छात्राएं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे वो आगे बढ़े इस चीज़ में? बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति उसमें रुचि पैदा करें, उसको पढ़ें, और जो मॉडल उन्होंने बनाया है उसको अमल करें। इसमें आपने देखा होगा ग्रीन सिटी पर बहुत ख्याल ध्यान दिया गया है। आजकल पूरा वर्ल्ड जो है पॉल्यूशन से भरा पड़ा है, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, हर जगह लोग मकान बना ले रहे हैं, कहीं पे भी पेड़ काट दे रहे हैं, है ना? कोई आइडियाज़ नहीं है, लेकिन बच्चों ने एक आइडियाज़ दिया है कि ग्रीन सिटी कैसा हो। जब ग्रीन सिटी होगा तो पॉल्यूशन कम होगा, जब पॉल्यूशन कम होगा तो हेल्दी बच्चे होंगे। ये सब जो है बच्चे जब सीखेंगे अभी से, कल होंगे वो इस समाज में से जुड़ेंगे, अभी तो स्कूल से जुड़े हुए हैं, वो अच्छा करेंगे, इससे समाज का जो है विकास होगा। इससे मैं डॉक्टर राशिद शिबली, इस स्कूल का शाइनिंग स्टार स्कूल का डायरेक्टर। शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है, जिसमें आप लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ देखने मिल रहा है? अभी तो हम लोग शाइनिंग स्टार में
प्रदर्शनी देख रहे हैं अभी, कुछ लोगों का हम लोगों ने देखा है, कुछ बच्चों का बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ मुख्तलिफ चीज़ों को दिखाया साइंस के तल्लुक से, ये देख के हम लोग का आश्चर्य हो रहा है। और इसी तरह से टीचर हमारे बच्चों को तैयार करेंगे तो हम यकीनन कह सकते हैं कि ये बच्चे आगे जाके बहुत ही अच्छा करेंगे और साइंस के मैदान में ये लोग बहुत आगे तरक्की करेंगे। इससे हमारे सिवान, बिहार और पूरे देश को फ़ायदा होगा। और ऐसे बच्चे टैलेंटेड हमको पहली बार सिक्स के लड़कों को मैंने देखा कि जितना कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ही पूरे इतमाद होकर जिस तरह से वो लोग बातें कर रहे थे, समझा रहे हैं, और जिस जो प्रोजेक्ट उनको मिला है, मैं टीचरों को भी बहुत दिल से सराहना करता हूँ। उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से बच्चों को तैयारी कराया है। इसके लिए स्कूल के डायरेक्टर, मैनेजिंग कमेटी और यहाँ के टीचर, बच्चों, तमाम लोगों को मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोग आगे बढ़ें। Solar energy is the power which we receive from the sun. It is constantly flowing away from the sun. It is vast and inexhaustible. The advantages of solar power city that solar city focuses on implementation of renewable energy projects so as to mitigate the fossil fuel consumption to meet rapidly rising electricity demand of city or town. This causes free and no causes greenhouse emitted after installation. One of the disadvantages of solar power city that it comes very high initial cost to purchase and installation. Thank you and have a great day. Intro. My name is Shireen Bano from Standard 6A. These both are my colleagues, Sadaf and Atiya. स्टार में साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है जिसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ देखने को मिला यहाँ पे बच्चों को? यहाँ पे मैंने देखा कि हर कई स्टॉल लगे हुए हैं, कई प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। आजकल जो सबसे पहले तो ग्रीन सिटी बनाया गया है क्योंकि ग्रीनरी बहुत जरूरी है, कैसे देश को बचाया जाए, एनर्जी कैसे सेव किया जाए, और साथ ही साथ उन लोग एलिवेटर और भी बहुत सारे चीज बनाए हैं जो कि देख के बहुत मन उत्साहित हुआ। एलिवेटर बनाए हैं, ग्रीन सिटी बनाए हैं, पॉल्यूशन को कैसे बाकी स्कूल के छात्र छात्राओं को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आगे से इन लोग और भी अच्छा और भी मेहनत करें और साइंस में, क्योंकि साइंस में ये प्रोजेक्ट बनाएंगे उनका ब्रेन और खुलेगा और जब जितना ब्रेन खुलेगा उतना उसका यूटिलाइजेशन होगा और उन लोग का भविष्य और निखरेगा। मैं डॉक्टर मधुबाला मिश्रा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्र ढाला, ओवरब्रिज के नीचे सिवान।